असलम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स डिटेक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट्स एंड यूरोबिलिनोजन इन यूरिन यूरिन में हम कैसे डिटेक्ट करेंगे बाइल पिगमेंट्स यानी कि बिलोरबिन को और यूरोबिलिनोजन को बट बिफोर गोइंग टू आर टॉप टॉपिक हम पहले जान लें कि ये बाइल पिगमेंट्स यानी बिलोरबिन और यूरोबिलिनोजन क्या होता है बिलेपिन जो है और बाइल पिगमेंट इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन एज यू नो आर का लाइफ स्पेन जो है वो है वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डेज आफ्टर दैट आर का क्या होता है इनकी लाइसिस होती है ब्रेक डाउन होता है रेटिको रेटिक्यूलो एंड्रोथीलियल सिस्टम में यानी कि लिवर और स्प्लीन में आर का ब्रेक डाउन हो जाता है और हीमोग्लोबिन रिलीज होता है तो लिवर में क्या होता है एज यू you नो know की हीमोग्लोबिन के दो पार्ट्स हैं हीम और ग्लोबिन तो लिवर में क्या होता है लिवर में ये हीम जो है इट गेट्स कन्वर्टेड टू बिलोरबिन वाया बिलोवेडिन पहले हीम चेंज होता है बिलोवेडिन में फिर वो रिड्यूस होता है इनटू टू में सो so बिलोरुबिन क्या है ये एक येलो पिगमेंट है ये एक हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है तो बिलिरुबिन जो है ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करता है इन अनकंजुगेटेड फॉर्म जो ये अनकंजुगेटेड और वाटर इन बिलिरुबिन है ये खुद को बाउंड करता है अटैच करता है एल्ब्यूमिन के साथ और ट्रांसपोर्ट होता है लिवर में तो लिवर में क्या होता है ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है ये कन्वर्ट होता है इनटू वाटर सॉल्युबल या कंजुगेटेड फॉर्म में तो उसके बाद ये कंजुगेटेड बिलोरबिन जो है ये लिवर से चला जाता है ड्यूडनम में थ्रू बाइलियरी चैनल्स ये लिवर से चला जाता है इनटू ड्यूडनम में और फिर ड्यूडनम से इट रीच कॉलन यानी कि अब ये बिलोरबिन जो हमारे पास है कंजुगेटेड बिलोरबिन अब ये है इंटस्टीनस में तो इंटस्टीन्स में हाफ ऑफ बिलोरबिन जो है वो वापस चला जाता है इंटस्टीन से लिवर में व या एंटीरोपैटिक सर्क्यूलेशन और हाफ बिलुरुबिन जो है वो कन्वर्ट होता है इंटू यूरोबिलिनोजन में वो कैसे कन्वर्ट होता है यूरोबिलिनोजन में हमारे इंटस्टीन में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया जिसको हम बैक्टीरियल फ्लोरा कहते हैं तो बैक्टीरियल एनजाइम्स क्या करते हैं वो इस बिलोरबिन को कन्वर्ट करते हैं इंटू यूरोनोजन में अब ये यूरोबिलिनोजन क्या है यूरोबिलिनोजन है डिग्रेडेशन प्रोडक्ट दैट इज फॉर्मड बाय द एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ऑन कंजुगेटेड बिलोरोबिन तो अब जो ये मोस्ट ऑफ द यूरोबिलिनोजन जो होता है ये निकलता है फीसिस के साथ ये फीसिस के साथ निकलता है और अबाउट टेन टू फिफ्टीन परसेंट जो है ये वापस रि होता है ब्लड स्ट्रीम में वापस चला जाता है किस लिवर में और कुछ परसेंटेज जो है वो किडनीज में पहुंच जाती है और एक्सक्रीट होती है यूरिन में इन द फॉर्म ऑफ यूरोबिलिन ठीक है तो इसकी जो एक्सक्रीशन रेट है दैट इज वन टू फोर एम जी पर डेलीटर इन ट्वेंटी फोर आवर्स दैट मीनस ये कंसंट्रेशन यूरोबिलोजन की नॉर्मल है यूरिन में यूरिन में ये नॉर्मल है और यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि मोस्ट यूरोबिलिनोजन यूरो है वो आ, निकलता है फीसिस के साथ वो लगभग एट्टी टू तो नाइन्टी परसेंट जो है वो फीसिस के साथ निकल जाता है यूरोबिलिनोजन जो है ये खुद एक कलरलेस कंपाउंड है जो फिर बाद में ऑक्सीडाइज होता है टू यूरोबिलिन यूरोबिलिन जो है दैट इज एन ऑरेंज येलो पिगमेंट और ये पॉइंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो हमारा स्टूल होता है नॉर्मल स्टूल होता है उसका जो येलोविश कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस यूरोबिलिन ठीक है जो ऑक्सीडाइज हुआ होता है फ्रॉम यूरोबिलिनोजन से सो नॉर्मली नॉर्मल यूरिन में नॉर्मल फीसिस में यूरोबिलिनोजन की कंसेंट्रेशन जो है वो नॉर्मल है दैट मीन्स हमारे यूरिन में और आ, हमारे स्टूल में यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट होना चाहिए बट बिलुरोबिन जो है ये हमारे नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट नहीं होता है प्रेजेंट होता है बहुत 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 कम क्वांटिटी में जो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं सो so, ये डिटेक्ट कब हम करते हैं यूरिन में जब मैंने अभी कहा कि बिलूरोोबिन जो है ये ब्लड सर्कुलेशन से इंटस्टाइन तक जाता है सो व्हेन दिस बिल्यूरोबिन इट्स अनेबल टू लीव द ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हिपैटिक रूट इनटू द इंटस्टाइन तब ये बिलोरोबिन हमारे यूरिन में आता है तो ये हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं अगर हमारा यूरिन जो है वो थोड़ा सा वो येल्लो ग्रीनिश कलर होता है जैसे कि जॉन्डिस में होता है तो वी कैन से कि इस यूरिन में ब्लू प्रेजेंट होगा और वो हमें क्या सजेस्ट करता है दैट सजेस्ट लिवर डिजीज बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन और हिपेटाइट्स। सो ये थी नॉर्मल फिजियोलॉजी बाइल पिगमेंट यानी कि बिलोरबिन की और यूरोबिलिनोजेन की अब हमें डिटेक्ट करना है यूरो सॉरी बिलोरबिन हमें डिटेक्ट करना है यूरिन में सो वो हम कैसे करेंगे उसके लिए हमारे पास एक मेथड है उसको हम बोलते हैं फोशेज मेथड फोशेज मेथड से हम देखेंगे कि बिलोरोबिन हम कैसे डिटेक्ट करेंगे यूरिन में तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं टेस्ट ट्यूब्स पास्चर पिपेट बैरियम क्लोराइड फोशेट्स रिएजेंट रिएजेंट, सेंट्रीफ्यूज, रिए वी नीड रिएजेंट, बट ये मैं आगे बोलूँगी ये हमें कहाँ पे यूज करना है फिलहाल सेंट्रीफ्यूज तक हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। सो अब हम देखेंगे हमारा प्रोसीजर क्या है हमने ग्लास टेस्ट ट्यूब लेना है जो मैंने अभी रिक्वायरमेंट्स में कहा तो और हमें यूरिन सैंपल लेना है ठीक है जिसमें हमें बिल चेक करना है वो यूरिन सैंपल हमने लेना है हमारे पास बेरियम क्लोराइड है ये पाउडर्ड फॉर्म में होता है बेरियम क्लोराइड जो हमारे पास होता है ये पाउडर्ड फॉर्म में होता है इसका फिर हम डिस्टिल्ड वाटर में मिक्सचर बनाते हैं ये हमने टेस्ट ट्यूब में पाउडर फॉर्म में ली बेरियम क्लोराइड इसके बाद हम इसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे ये है हमारा डिस्टिल्ड वाटर ये हम ऐड करेंगे बेरियम क्लोराइड में और इसको मिक्स करेंगे मिक्स करेंगे ये पूरा डिजोल्व हो जाएगा उसमें और हमारा मिक्सचर बन गया बेरियम क्लोराइड का इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब लेंगे उसमें पास्टर्स पिपेट से थ्री टू फोर एम एल अप टू फाइव एम एल तक यूरिन हम लेंगे फोर टू फाइव एम एल यूरिन लेंगे पास्टर्स पिपेट से जिस यूरिन में हमने चेक करना है बिलोरबिन यूरिन सैंपल हमने लिया तो उसके बाद जो हमने बेरियम सॉरी बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया वो इस यूरिन सैंपल के साथ ऐड करना है यूरिन वाले सैंपल में हमने बेरियम का मिक्सचर ऐड किया और हम देखेंगे इस मिक्सचर का कलर येलो आ गया इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम इस मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूज करेंगे सेंट्रीफ्यूज हमने इसको करना है फिफ्टीन हंड्रेड आर पी एम फिफ्टीन हंड्रेड आर पी एम पे इसको हमने सेंट्रीफ्यूज करना है 10 मिनट्स तक 10 मिनट्स जब होंगे इसके बाद हम जब अपना सैंपल अपना मिक्सचर इससे निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इसके नीचे बॉटम पे कुछ सेडिमेंट होगा इसके बॉटम पे ये आप इसमें देख सकते हैं सेडिमेंट है इसमें और ऊपर रहा है सुपर नेटेंट ये जो सुपर नेटेंट है या तो हम इसको डिस्कार्ड करेंगे या हम इसको और एक टेस्ट ट्यूब में रख सकते हैं और एक टेस्ट ट्यूब में क्यों रखेंगे वो मैं आपको अभी आगे बोलूंगी तो इसके बाद हमने क्या करना है ये जो हमारा ये था सेडिमेंट था जो इस टेस्ट ट्यूब में रहा था उसको हम ऐड करेंगे ट्वेंटी फाइव परसेंट ड्रॉपर से या पास्टर्स पिपेट से हम इसमें ड्रॉप वाइज कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे ट्वेंटी फाइव परसेंट फोशेज के जब हमने इसमें ड्रॉप वाइज ये फोशेज रिएजेंट ऐड किया तो हम क्या देखेंगे हम इस मिक्सचर में सॉरी जिस ये आ, सेडिमेंट में हम देखेंगे कि इसमें कलर चेंज आती है हम ये कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे इसके बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे वो मैं अभी ऑब्जर्वेशन आपको बोलूंगी पहले मैं आपका प्रोसीजर जो है फिर से रिपीट करूंगी थ्री टू फोर एम एल यूरन हमने लेना है एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में बाई पासचर पिपेट उसके बाद उसको इक्वल अमाउंट बेरियम क्लोराइड ऐड करना है और मिक्स करना है देन वी हैव टू सेंट्रीफ्यूज इट एट फिफ्टीन हंड्रेड आर पी एम फॉर टेन मिनट्स आफ्टर दैट सुपरनेटेंट जो है ये हमने और गिलास टेस्ट ट्यूब में रखना है जो मैंने अभी कहा था और एक टेस्ट हम इसे करेंगे तो उससे हम यूरोबिलिनोजन टेस्ट कर सकते हैं या तो अगर हमें ये टेस्ट नहीं करना है तो हम सुपर फेंक सकते हैं तो उसके बाद जो हमने सेडिमेंट लिया जो हमारे टेस्ट ट्यूब में सेडिमेंट रहा उसमें हमने ऐड करना है फोशेज रिएजेंट सेडिमेंट में फिर हम देखेंगे कलर चेंज आ गई अगर उसमें कलर चेंज नहीं आई तो दैट मीन्स उस सैंपल में बिल्यू रुबिन एबसेंट है उस यूरिन में बिल्यू प्रेजेंट नहीं है और अगर कलर चेंज आ गया और कलर चेंज ग्रीन आ गया दैट मीन्स उसमें बिल्यू प्रेजेंट है और कितना बिल्यू प्रेजेंट है उसको हम ग्रेड करते हैं एज ट्रेस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एंड फोर प्लस अकॉर्डिंगली जितनी इंटेंसिटी कलर की होती है वही ग्रेडिंग हम देते हैं अब जो मैंने अभी बात की कि अर्लिक्स मेथड अर्लिक्स मेथड अर्लिक्स रिएजेंट की मैंने अभी बात की वो हमें यूज होता है अर्लिक्स मेथड में और अर्लिक्स मेथड हम किस लिए करते हैं यूरोबिलिनोजन डिटेक्ट करने के लिए तो so, जो मैंने अभी कहा सुपरनेटेंट हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में रखेंगे तो उस सुपरनेटेंट में जो हमने यूरो सॉरी बिलिरुबिन टेस्ट से सुपरनेटेंट रखा था दूसरे टेस्ट ट्यूब में उस टेस्ट ट्यूब में हम ऐड करते हैं 0.5 ml ऑफ अर्लिक्स रिएजेंट अर्लिक्स रिएजेंट हमने उसको ऐड किया और फिर उसमें हम कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे अगर उसमें पेल पिंक कलर आया। अगर उसमें पेल पिंक कलर आया दैट मीन्स उसमें यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है और नॉर्मल है दैट मीन्स नॉर्मल अमाउंट में जो मैंने अभी कहा कि यूरिन में नॉर्मली यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट होता है तो अगर पेल पिंक कलर आया दैट मीन्स यूरोबिलिनोजन जो है वो प्रेजेंट कंसेंट्रेशन में सॉरी नॉर्मल कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है और अगर इसमें कलर हो गया चेरी रेड यानी कि डार्क रेड चेरी रेड कलर आया दैट मीन्स यूरोबिलिनोजन जो है वो इनक्रीज अमाउंट में प्रेजेंट है यूरिन में सो वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टे होम स्टे सेफ अल्लाह हाफिज